मंदिर में जब भी आप जाते हैं, उस प्रतिमा के आप चरण स्पर्श करते हैं, शिवलिंग का जब भी अभिषेक करते हैं, तो स्वयं अपने हाथों से, दूध से या जल से आप उसे धोते हैं, उसका प्रक्षालन करते हैं। अब इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है, यहां बात आती है ऊर्जा की। कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसकी अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है। इसलिए जब भी हम बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं, तो उस स्पर्श द्वारा वो विशेष ऊर्जा हम अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, किसी के चरण स्पर्श करने का अर्थ ये नहीं है कि आप स्वयं को छोटा बना रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि बड़ा बनने के लिए वो विशेष ऊर्जा आप उनसे प्राप्त कर रहे हैं। और एक जीवन का बड़ा सत्य ये भी है कि यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो पहले झुकना सीखिए।